हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल आज बात करते हैं जेड वर्सेस एसएल के बीच में जो बास्केटबॉल मैच होने वाला है उसकी ड्रीम इलेवन टीम के बारे में सो so, ये सी लीग का एक बास्केटबॉल मैच है अगर मैं इसकी टीम की बात करूं तो यहां पे देखिए ध्यान से और so, सो अगर हम लोग पॉइंट गार्ड की बात करें तो so, देखिए यहाँ से एस मिंगुई जो है यहाँ से बेहतरीन पिक है सबसे बेस्ट पिक आपके लिए एस पी एंड पी के लिए भी बेस्ट है मैं इनको शायद एस पी ही अपने मैचेस में अभी जो मैच में तो आ, अगर हम लोग यहाँ से सेकंड चॉइस की बात करें सो इससे पहले यहाँ से मैं कुछ चॉइसेस करूँ मैं आपको पहले बता दूँ हम लोग पहले सेंटर्स की बात कर लेते हैं सो सेंटर से देखिए मैंने इस मैच का देखा है तो जे हु जो है ये तीन प्लेयर स्टार्टिंग के ये तीन ही प्लेयर आपको कुछ भी करके पिक करना ही है तो ये तीन प्लेयर को पहले ले लीजिए ये है जे हु जेड जी एंड रेडुल जी का जो है इन तीनों को लेके ही चलिए उसके बाद बाकी सारे हम प्लेयर्स की बात करेंगे ओके सो इन तीन प्लेयर्स को आप ले लीजिए सेंटर से सो so, अभी हम लोग अभी पॉइंट गार्ड पे आते हैं वापस तो पॉइंट गार्ड से हम लोग एस मिंगुई को लेके चलेंगे एस मिंगवी के साथ जो है एफ़ शिन एफ शिन को मैं यहाँ से ले रहा हूँ अगर आप लोग अदर चॉइसेस की बात करें तो आप लोग शैंग को ले सकते हो यहाँ से लेकिन शैंग का जो है परफॉर्मेंस होता कुछ खास नहीं रहा है कुछ मैचेस से सो so, आप फिलहाल के लिए तो इनको मत ही लीजिए ग्रैंड लीग में ट्राई करना है तो ग्रैंड लीग में छांग को जरूर ट्राई कीजिए छंग ये छंग है इनको ज़रूर ट्राई कीजिए ग्रैंड लीग में लेकिन स्मॉल लीग के लिए तो अभी फ़िलहाल के लिए मिंगुई एंड शिन को लेके चलिए वैसे भी ये फाइनल टीम नहीं होगी क्योंकि बास्केटबॉल का लाइन सब जो होता है वो मैच शुरू होने के पाँच मिनट पहले ही आता है सो मैं आपको जो फाइनल टीम रहेगी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा सो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया अगर आपने अब तक ज्वाइन नहीं किया है तो जाके ज्वाइन कीजिए अगर आप नए हैं चैनल पर तो सो अगर हम लोग अभी हो गया पॉइंट गार्ड सो अभी हम शूटिंग गार्ड की बात करते हैं यहाँ से ध्यान से देखिए गुआशेन जो है बहुत ही बढ़िया प्लेयर है गुआशेन को देखिए यहाँ से गुआशेन को जो है हम लोग ले नहीं सकते क्योंकि मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं ले सकते अभी आप लोग फ्रैंकलिन को के चलिए फ्रैंकलिन जो है लास्ट मैच अगर ये स्टार्टर करते हैं लास्ट मैच जैसे स्टार्टर किया था तो ये थर्टी मिनट्स प्लस खेलते हैं थर्टी मिनट्स प्लस और आपको अच्छा खासा स्कोर करके भी देते हैं सो फ्रैंकलिन अगर स्टार्टर भी करेगा तो ये मेरा एस पी एन पीपी के लिए भी बेस्ट चॉइस है अगर मैं यहाँ से फ्रैंकलिन के अलावा बात करूँ तो आप लोग देखिए जाओ आप इनको ले सकते हो लेकिन इनका परफॉर्मेंस कुछ उतना खास नहीं है गुआशेन को आप ले ही सकते हो लेकिन यहाँ पे क्रेडिट जो है वो थर्टीन है सो ट्वेल्व पॉइंट फाइव क्रेडिट में मुझे मेंटेन करके चलना पड़ेगा सो so इसलिए मैं अभी फ्रैंकलिन को ही ले, ले कर चल रहा हूँ फाइनल अपडेट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा ठीक है अगला हम लोग अभी स्मॉल फॉरवर्ड की बात करें स्मॉल फॉरवर्ड में देखिए यहाँ पे जो है ली जो है बेस्ट पिक हो सकते हैं लेकिन आप यहाँ से अगर आप यहाँ से ली को ले लोगे तो आप यहाँ से किसी को भी नहीं उठ तो आप लोग पावर फॉरवर्ड से नहीं ले पाओगे इसलिए ली को आपको ड्रॉप करना पड़ेगा जाओ ई जो है यहाँ से आप इनको ले लीजिए अगर इनको 20 मिनट का भी खेलने का या फिर 10 से 20 मिनट का भी खेलने का मौका मिल जाता है तो भी अच्छा खासा स्कोर करके दे, दे देंगे हमको थोड़े से पॉइंट्स लेकिन अगर मैं इनको लेने के चक्कर में अगर मैं यहाँ से अगर ये तीन प्लेयर्स को ड्रॉप कर देता हूँ तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा एक यू नो एक लॉस टाइप हो जाएगा सो इसीलिए मैं यहाँ से ली को लेने के बजाय यहाँ से जेड ई को लेना पसंद करूँगा ये ठीक है ठीक ठाक प्लेयर ही है अब इन्हीं को लेके चलिए अब अगर हम पावर फॉरवर्ड की बात करें तो यहाँ से तो सिर्फ एक ही प्लेयर ढंग के है जिंग जिंग के अलावा यहाँ से कोई भी पिक नहीं है अच्छी सो तो आप जिंक को लेके चलिए ली को आप ट्राई कर सकते हैं ग्रैंड लीग में स्मॉल लीग में बिल्कुल मत कीजिए जि, जिंग के साथ ही चलिए सो तो मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ पॉइंट गार्ड मिंगुई शिन शूटिंग गार्ड फ्रैंकलिन फ्रैंकलिन अगर स्टार्टर करता है तो एस पी एन पी पी के लिए बेस्ट चॉइस स्मॉल फॉरवर्ड जेड ई पावर फॉरवर्ड जेड जिंग एंड सेंटर में से ये तीन प्लेयर इंपॉर्टेंट प्लेयर ऑफ द मैच ओके सो ये फाइनल नहीं है तीन प्लेयर ही खेलेंगे करके क्योंकि लाइनसअप एंड इंजुरी रिपोर्ट अब तक आउट नहीं हुई है तो इंजुरी रिपोर्ट्स एंड लाइन्सअप के हिसाब से भी मैं तीनों में से किसी एक को निकाल भी सकता हूँ सो so बाद में देखेंगे लाइन्सअप आउट होने के बाद सुबह तो अभी हम लोग अभी अगर एस की बात करें तो एस पी मैंने जैसे कि आपको बोला मिंगवी बेस्ट पिक सोचना ही नहीं आंखें बंद करके मिंगवी को ले लो अगर हम लोग पी की बात करें यहाँ से पीपी के लिए अभी फ़िलहाल के लिए मैं जेड हु के साथ जाना चाहूँगा आप चाहिए आप चाहो तो अगर ये फ्रैंकलिन अगर ये स्टार्टर करते यानी कि स्टार्टिंग करते ये अगर से अगर ये स्टार्टर्स में आते हैं तो आप इनको एसपी आप इनको पीपी बना सकते हो लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए तो मैं सेफ ही जाना पसंद करूँगा तो जेड हु मेरे जो रहेंगे वो पी रहेंगे और एस रहेंगे मिंगवी सो ये रहेगी मेरी फाइनल सॉरी ये फाइनल टीम नहीं होगी टीम ऐसी है आप टीम को देख लीजिए आप टीम को सेव कर लीजिए टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है जाके ज्वाइन कर लीजिए फाइनल टीम मैं वहीं पे प्रोवाइड करूँगा लाइन से आउट होने के बाद लास्ट मिनट पे यूट्यूब की टीम लगा के रखा <coughs> रखा करिए और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए इसमें आपको अगर कुछ भी चेंजेस करना है खुद के हिसाब से तो आप चेंजेस कर सकते हैं मैंने एक दो प्लेयर्स के आपको नाम भी बताया जैसे कि गोवा शन गोआ शन सॉरी स्पेलिंग गलत है आप समझ जाइए मैं बोल रहा हूँ गोआ शैन जो है थे गोवा शन को आप यहाँ से ट्राई कर सकते हो अगर आप क्रेडिट मेंटेन कर पाओगे आम, अगर आप इन तीनों में से किसी एक को हटा के अगर गुआशेन को भी घुसाना चाहते हो तो गुआशेन को ले लो तो वो भी बहुत बड़ा प्लेयर है सो so, फिलहाल के लिए तो यही टीम है अभी फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा ओके okay, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए थैंक यू सो मच